हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष डे 3 का वर्कआउट लेके आया हूं। आज हम बैक का वर्कआउट करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलिएगा। ओके, पहली जो एक्सरसाइज करने आए हम चिनस करने जा रहे हैं। मंशु हमारे साथ है। मंशु भाई, ये हमने चिनस करके दिखाया। फर्स्ट जो वर्कआउट से बात करने जा रहे हैं दोस्ती ग्रीप रहेगी, थोड़ी वाइट रहेगी। और जो पूरा जो प्रेशर पड़ेगा इस पोस्चर में पड़ेगा, आप देख सकते हो। ये हम सेट लगाएंगे स्टार्टिंग में। अगर कोई बिगिनर शुरू कर रहा है, हम कर लेंगे 10-10 के 4 सेट। जो ये चिनअप्स है, इस मसल पे फ्लेक्स करते हैं पूरा। ब्रो मतलब जो हमारा वी बनता है, इसी से बनता है। ओके, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आज। अब जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करने हैं, लेट पुल डाउन करने जा रहे हैं। बैक का जो वर्कआउट है, जो सी ग्रिप रही, जहां से हमारी रोड बैंड होती है उस तरह से पकड़ना है। थोड़ी बॉडी हम पीछे बैंड कर लेंगे कि पूरी पोजीशन सेट हो जाएगी। जो उसका इफेक्ट है इस मसल पे आएगा, हमें पीछे प्रेस करना है इसको। डाउन एंड अप, ये पूरा मसल खींच रहा है अच्छी तरह से, पूरा स्ट्रेच हो रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसके सेट रहेंगे अपने 4 सेट रहेंगे, 10-10 रेपिटेशन के। अब सेकंड एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं रोइंग मशीन। चलो, जिसकी पोजीशन रही है तो चेस्ट हम पंप रखेंगे। वेरी गुड, हाँ आगे जाने वाला हाथ जाके रोक लिया। आगे बस जब हैंड्स हम जब हम आगे लेके जाएंगे, हमें एक सेकंड के लिए आगे होल्ड रखना है और हमारी बैक खींच जाए। और जो उसका पूरा मसल पे आएगा, फिर इस मसल पे आएगा इस पोर्शन के ऊपर। क्या, हाँ थोड़ा चेस्ट पंप रखो। वेरी गुड, इसके जो सेट रहेंगे 4 सेट रहेंगे 10-10 रेप्स के। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, लैट पुल बैक करने जा रहे हैं। चलो, इसकी जो ग्रिप रहेगी बिल्कुल वाइट रहेगी। हाँ, जो ये पीछे आएगी नेक तक आएगी पीछे की तरफ। हाँ, और जैसे इसका असर आता है, जैसे हमारी बैक की बहुत छोटी छोटी मसल होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इस अपर वाले पोर्शन में, जहां से हमारा शोल्डर भी शुरू होता है। वेरी गुड, शाबाश, पूरा ही मसल पे इफेक्ट करेगा। ये जो सेट रहेंगे 4 सेट रहेंगे 10-10 रैप्स के। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं वन आर्म बैक डंबल। चलो, इसके लिए पुदीन जब भी रहेगी, एक हाथ अपना आगे रहेगा, हमारी लेग्स पीछे चल रही गई, जो राइट वाला पैर है उत्तर गला, जैसे हमने लेफ्ट साइड से अगर उठाया तो राइट वाला पैर ऊपर आएगा। चलो, अब हाँ जो डंबल की पोजीशन रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ रहेगी और पूरा फ्लेक्स जो है इस मसल पे आएगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 सेट रहेंगे 10-10 रेप्स के। हमने 10 पहले यहां से निकाले, फिर 10 हम दूसरी साइड से निकालेंगे। चलो, ओके, क्लोज ग्रिप करने जा रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी बैक की, फिनिश करने जा रहे हैं वर्कआउट। चलो, इसके लिए पोजीशन रहेगी पूरी फ्रंट में आएगी, जस्ट तक आएगा फिर ऊपर जाएगा। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन। इसके भी सेम सेट रहेंगे, 4 सेट रहेंगे 10-10 रेप्स के। इसमें आप आगे जाके चाहे फ्यूचर में वेट बढ़ा भी सकते हो। चलो, ये वर्कआउट है, ये एक 1 वीक का नहीं, 4 वीक का वर्कआउट है। 4 वीक के बाद हम एक्सरसाइज चेंज करेंगे। ओके, हमने टोटल 6 एक्सरसाइज करी है। अगर हम गिने, पहले हमने चिनअप्स लगाया, हमने लेफ्ट फुट फ्रंट मारा, ठीक है, हमने रोइंग मशीन करी, हमने अपना बैक वाली एक्सरसाइज करी, हमने वन आर्म डंबल मारा एंड फाइनली हमने क्लोज ग्रिप करी। ये टोटल हमारी 6 एक्सरसाइज हो गई। ओके, इसमें मेन जो है टेक्निक जो है ना, तो प्रॉपर बताइए, उसी से वर्कआउट शुरू करें। अगर वेट आप थोड़ा हल्का लेते हो, जैसे मान लो 2-3 प्लेट से भी आप शुरू करते हो, वेट मैटर नहीं करता, हमें देखा पोजीशन मैटर करती है। अगर पोजीशन हमारी सही रहेगी, हमारा उस वेट में भी हमारा साइज एंड मसल पूरा ग्रोथ करेगा। ओके, और उसके साथ दूसरा जो प्रिंसिपल है मेन है डाइट। डाइट आप फॉलो करो, आपको रिजल्ट आएगा आएगा, डाइट फॉलो नहीं करो रिजल्ट नहीं आ सकता। हर चीज में मैंने हमेशा बोला है डाइट हर जगह इंपॉर्टेंट करती है। डाइट हमारी वेट गेनिंग में भी हेल्प करेगी, डाइट वेट लूजिंग में भी हेल्प करेगी। हमने डे 1 हमने चेस्ट लगाई, डे 2 में हमने अपना ट्राइसेप लगाया, डे 3 में हमने बैक लगाई। अब डे 4 का वर्कआउट हम कल लाएंगे। थैंक यू सो मच, मैं आपका दोस्त मनीष, कल तक के लिए।